एनएलसी इंडिया पिछले कुछ दिनों में बहुत ही बेहतरीन तेजी एनएलसी इंडिया में होती हुई दिख रही है और जबरदस्त एक्शन में आया है स्टॉक. क्या वजह है एनएलसी इंडिया का स्टॉक इतनी तेजी में? आशीष बता रहे हैं हमें. आशीष बताइए. सर, इनके पास जो है ना सबसे हॉट सेलिंग केक जो कहते हैं ना वो है इनके पास, जो सबसे ज्यादा इस चीज बिक रही है, सबसे ज्यादा कोयला पूरी दुनिया भर में कोयला. तो ये स्वभाव है कि इसके चलते आप देखिए कि बड़ा उछाल स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी जो कोयला बेच रहे हैं जो हिसाब से भाव हो गए, आई थिंक अब तो हीरे से ज्यादा डिमांड तो कोयले की. हाँ, सही बात है. हीरे से आप थोड़ी पावर जनरेट कर पाएंगे. तो जबरदस्त डिमांड है, बहुत बढ़िया डिमांड है सर, और डिमांड चारों तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि खबरें आ रही है कि एल्यूमिनियम एसोसिएशन भी कह रहा है कि उनको पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा है. पावर कंपनीज तो जो है लगातार अपनी जो बता ही रहे हैं कि उनके रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है. फिलहाल आप देखिए तो इनकी जो क्षमता है ये 6 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 मिलियन टन प्रति वर्ष करने जा रहे हैं, और इनफैक्ट आगे के सालों के लिए भी जो है ना अग्रेसिव लक्ष्य है, मान रहे कि 20 मिलियन टन प्रति वर्ष की जो है इनकी क्षमता हो जाएगी, और यहाँ पर एक बड़ा एक्सपांशन करते हुए नजर आएंगे. और देखिए इनके लिए बढ़िया अवसर इसके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कोल इंडिया ने एक अपडेट देकर ये बताया कि जो गैर पावर प्लांट्स हैं इनको ई ऑक्शन के जरिए जो कोयले की बिक्री की जाती थी फिलहाल उस पर थोड़ी सी रोक लगा दी गई है, और जो सिर्फ फॉरवर्ड ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ई ऑक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट जो पावर कंपनीज के लिए होते हैं उसे जारी रखा जाएगा. जो दूसरे सेक्टर्स है, मिसाल के तौर पर आप देखिए जो एल्यूमिनियम सेक्टर है या फिर स्टील सेक्टर, उनको जो सप्लाई की जाती थी इसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी. तो हो सकता है कि एनएलसी इंडिया इस जो गैप है इसे ब्रिज करते हुए नजर आए, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने देखा था, इनफैक्ट 1 अक्टूबर को एक सर्कुलर आया था कि माइंस एंड मिनरल एक्ट के अंतर्गत जो कैप्टिव माइंस हैं कोल्स की वो दूसरी कंपनीज को भी बेच पाएंगे ताकि मार्केट में पर्याप्त जो है कोयले की उपलब्धता देखने को मिले. तो इसी के चलते देखिए कि एक बढ़िया अवसर जो है देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट इसके ऊपर कंपनी काम भी कर रही है और अगले साल जो क्षमता है इसे दुगना करती हुई नजर आएगी, और इसी चीज को जो है बाजार फैक्टर इन करते हुए नजर आ रहा है, और स्टॉक में बढ़िया तेजी देखी जा रही है. अनिल जी, एक और खास बात है कि इनके पास लिग्नाइट है, और लिग्नाइट भी देखिए तो थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल माना जाता है. किसके लिए? क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है ज्यादा, और उसकी जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी सी कम होती है. तो इसके चलते अगर हो सकता है कि उसको भी एक सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जाए तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी. बिल्कुल विन विन सिचुएशन हो जाएगी. मतलब अभी तो खराब क्वालिटी क्या, जिसको कोई भी क्वालिटी काला भी कलर का होना चाहिए बस है ना, काम में आ जाए बस. मतलब काम में आ जाए, जल जाए और थोड़ा पावर वैसा नहीं आले. अब तो बुरा, अब और ये कोल इंडिया के जो ई ऑक्शन बंद हो रहे हैं, मतलब मैं अभी बीच में एक कोई ये जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाली शॉप्स होती है ना, उनमें कोई हमारे मिलने वाले उससे बात कर रहा था जो टाइल्स वाइल्स बेचते हैं. तो बीच में ऐसी हालत थी जो डिमांड आई ना इतनी जबरदस्त टाइल्स की, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया, एकदम से पेंट अप डिमांड आई, सबको लोगों को घर में सबको रिपेयर करवाना है, नए बन रहे हैं. बोले ये हालत है, मतलब जिसको है ना वो कैसे क्या कहते हैं कि वो डेब्रीज के तौर पे फेंकने के लिए जो टाइल्स रखी हुई थी ना, बोलो उसको भी साफ करके अपने रखी, वो भी बिक गई है. मतलब कुछ नहीं बचा है. तो इस लेवल की डिमांड आई है जब आई तो एनएलसी इंडिया. श्रीकांत जी आपका स्टॉक था रिकमेंड किया था 16 सितंबर को. 16 सितंबर कोल इंडिया और एनएलसी बहुत सही वक्त पे रिकमेंडेशन हो गया. वो इनिशियली जब ये कोयले का फेज शुरू हुआ था क्या भाव में रिकमेंड हुआ था? 55. वाह, हाँ 55 16 सितंबर. इतना बढ़िया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था सीरियसली. मतलब ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया एक्चुअली. एनीवे, सो एनएलसी इंडिया, श्रीकांत जी चार्ट देखिए. अनिल जी देखिए, वैसे ये जो एक लास्ट रैली आई है टाटा पावर या कोल इंडिया या पकड़ लीजिए कि एनएलसी, यहाँ पे जो रैली है वो इतनी स्ट्रांग रैली है कि हमें लगता है कि आने वाले और कुछ हफ्तों तक हमें एक कंसिस्टेंट इसमें ट्रेंड देखने मिलेगा. वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 85-86 के करीब शायद ये थोड़ा हॉल्ट ले सकता है, लेकिन चूंकि ये कभी एक बार स्टॉक 120 के करीब काफी दिनों तक था, तो मुझे लगता है कि जो इसके नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो 120 के करीब का हो सकता है. करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है क्योंकि इसने 72 के करीब 3 से 4 दिन का अच्छा एक वक्त निकाला है और उसके बाद रिकवरी बनाई है. तो करंट लेवल से भी अगर लॉन्ग करना है तो बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं. 72 का स्टॉप लॉस रखें, 85 और उसके बाद 100 और 120, ये तीन टारगेट्स के लिए बिल्कुल इसे करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है. एनएलसी इंडिया रखिए नजर. अनिल जी ने तो 16 सितंबर को ही कह दिया था, थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी बात कर रहे थे, और भी और बड़ा एक्शन आ सकता है इस पर जैसे आशीष समझा रहे थे. पर आइए, श्रीकांत जी एक कॉल भी दे रहे हैं बिगुल बीटीएसटी. बताए श्रीकांत जी. दीपक जी देखिए, वैसे लगता है मुझे निफ्टी जो है वो 18,300 के ऊपर काफी अच्छी तरीके से सस्टेन हुआ है, और अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने भी बताया कि 18,300 के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है.
चार्ट्स के बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे अच्छी तेजी बिल्कुल बन सकती है, और मुझे लगता है कि शायद जो क्लोजिंग है वो 350-370 के रेंज में भी आ सकती है। तो करंट लेवल से 18,300 जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय किया जा सकता है, 20-25 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है ये। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है एट 5 रुपीज, यानी कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, बट जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 60 से लेकर 70 के। तो करंट लेवल से भी 18,300 के कॉल ऑप्शंस बाय किए जा सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि इसे 3.25 को स्क्वायर ऑफ भी करना है।